एक कुर्ता मंगा बाबा, एक कुर्ता मंगा बाबा, एक कुर्ता। ए बाबा जी का झटका देखो, बाबा जी का झटका, बाबा जी का झटका देखो, बाबा जी का झटका। रोक, ये मेरी माया उल्टी कैसे पड़ गई? ए माया नीचे का धंस जा। धंस गए। अरे बाबा, कुर्ता उल्टा पहन लिया है, क्या करो जी, साधु बने नहीं है। मेरी माया थोड़ा बहुत उल्टा फुल्टा हो रही है, कोई बात नहीं। ए मेरे माया, आप एक दाढ़ी मंगा बाबा, एक दाढ़ी मंगा बाबा, तो नीचे करो, मूछें जहां होती हैं वहीं करो, नाक के ऊपर कहां मूछें लगाए। नहीं ब्याज जी, अच्छा हमारे नाक के ऊपर मूछ होती है और बीच में क्लीन शेव होती है, अभी कल मैंने बगुला से बनवाई थी। हां वो जान जाएगा, हनीमून नीचे कर लो। हां अब एक जटा लाओ। ओ चुर लग रहा तुम बारे भगवान हो। काहे? आए इंद्रपाल लाइट जला। अरे जूट आगे करो, जटाओं को पीछे करो। अच्छा ठीक है ले। अरे तुम काहे घूम रहे हो? अच्छा इसको आए करना, ऐसे कर लो। वाह, आओ लाओ रामनवमी। कैसा महसूस कर रहे हो आप इस बेस को? चाचे जी के घर में घुस जा को उन्हें कुछ संग करी कि चोरा की डकैता है कि काया अब बढ़िया आराम से चोरी करे जा कहते हैं राम रहीम बाबा हन का हैं आसाराम बाबू हर फिल्म बना डाले सब तसला बजा रहे हैं हरियाणा के जेल में तो पहले तो आनंद ले ली ने लाओ माला अरे कासन लाओ भक्तों अब मैं बाबा जी बन गई हूँ नहीं बन गया हूँ अब आसान आ गया है अब हम आसीन हो रहे जा रहे हैं आजा नीचे का आजा थोथना भक्तों अब मैं आपको प्रवचन सुना रिया हूँ भक्तों सब बोल रहा हूँ जैसे कोनो एम्बुलेंस आ रही है तो भक्तों अब मैं आपको प्रवचन सुना रहा हूँ कितना तू संबुधन भंजन हारा देखा मैं कितना होशियार हूँ मैं भी तुलसीदास की मौसी के लौंडा हूँ कितना तू संबुधन भंजन हारा अकुतिया घुस गई खोल के मारा तुम मैंने फेंक के बारा मारा तू कुतिया बोली कहीं 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 और रोटी धर गई जई की तई भक्तों कहते ना तू संबुधन भंजन हारा
अकुकुर पादे गरी छुहारा। भक्तों एक चौपाई और है, कहते नाथ संबुधन भंजन भंजन, नाथ संबुधन भंजन भंजन, अकुकुर मुते बुंदन बुंदन। भक्तों अब मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूं, गौर से सुनना है। हाँ आई जो उन परी हो इनके पानिया नहीं डाल दियो, नहीं मैं अपनी माया से जोको जोको सूटर पहने हुई सबका गोल कर दे हूं। नहीं जल्दी उनर के बैठ जाओ। भक्तों अब मैं एक किस्सा सुना रहा हूं। एक राजा की चार लड़कियां थी, चार लड़कियां, चार पुत्रियां, चार डाटर। एक राजा की चार लड़कियां थी, पुत्रियां बिटियां मतलब चार ठो थी, और चारों के चारों तुतली थी। उनका बेचारे का ब्याह नहीं होता था, राजा बहु परेशान था। एक समय एक राजकुमार को लेकर आ गया, तो राजकुमार को ऐसे बैठा दिया, चारों लड़कियों को ऐसे बैठा दिया, और लड़कियों से कह दिया कि बोलना नहीं, नहीं लड़का सुन लेगा कि तुम तुतली हो तो लड़का भाग जाएगा। तो चारों लड़कियों को ऐसे बैठा दिया और राजकुमार को ऐसे बैठा दिया। अब राजकुमार कुछ पूछे तो लड़कियां जवाब ना दें। काफी देर हो गई कि तभी शायद की बात कि एक चूहिया निकल पड़ी। जब चूहिया निकल पड़ी तो सबसे छोटी वाली कहती है, दीदी दीदी तुया तुया तुया। तो दूसरी वाली बोली, तहां तहां तहां। तीसरी वाली बोली, पतलो पतलो पतलो। तो चौथी वाली बोली, धुस दई धुस दई धुस दई। अब मैं आपको गड़बड़ रामायण के कथा सुनाने जा रहा हूँ। जिनको आशीर्वाद लेना हो अपने जेब में हाथ डालो, 100 रुपए निकाल डालो, मेरे चरणों में अर्पित कर दो। जय जय श्री राम। क्या हुआ का कथा नहीं होती यार? ए कायदे में बैठ जा, सुनाऊ? अच्छा सुनाना पड़ेगा, आओ ठीक है। ए अब कायदे में बैठ जाओ, मैं पूरी कथा सब फिर कभी सुनाऊंगा। भक्तों कायदे में बैठ जाओ। देखो तो अब राम जी की कथा बता बोलनी पड़ेगी, वो हनीमून आउट है। कायदे में बैठ जाओ। देखो तो राम जी के साथ में कितना बड़ा अन्याय हुआ। राम जी को पहले वनवास दे दिया गया, वनवास में यहाँ दशरथ जी का मरण हो गया, बेचारे वो उनका चेहरा तक न देख सके। फिर कुछ दिनों के बाद देखो तो सूपनखा के नाक कान काट लिया लक्ष्मण भैया ने। फिर रावण आया और सीता को किडनैप कर लिया, किडनैप कर लिया सीता को। और देखो तो रावण के लड़के मेघनाथ ने 12 बोर का तमंचा मार दिया। अब इस समय लक्ष्मण जी बेहोश है बेचारी, कितना राम जी रो रहे, राम 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 राम। ऐसा आश्रम हमने अभी तक नहीं देखा इस मार्ग में, और आश्रम में तीनों काल के ज्ञाता ऐसे संत के दर्शन नहीं किए। भूतकाल की बात बता रहे हैं, राम रावण का युद्ध चल रहा है। वर्तमान में भैया लक्ष्मण को मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर दिया है, और भविष्य की बात राम की विजय होगी। संत है, संत की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। संत से मिलना इस प्रकार चाहिए, संत मिलन को धाइये तज माया अभिमान, जस जस पग आगे धरो तो एक नहीं कोतन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है संतों के मिलने से। प्रणाम महात्मा जी। चिरंजीव भव हनुमान। प्रणाम महात्मा जी। चिरंजीव भव हनुमान। प्यास लगी है, आए बहुत जोर से प्यास लगी है। तुमको भूख को प्यास लगती है का? क्या जल मिल सकता है? आप संत हैं। बिल्कुल ले लो जल, जल ले लो, ले लो पियो।
मानो संत का हृदय कितना दया का सागर से बढ़कर है। संत हृदय नो नीच समाना, हमने जल मंगाया तो जल दे दिया, कमंडल समेत दे दिया, लेकिन महात्मा जी इसमें जल बहुत थोड़ा है, थोड़े जल में हमारी प्यास बुझ नहीं सकती। तुम मेरे कमंडल को क्या समझते हो? ब्रह्मा नदी, जमुना, केन नदी, बांदा की नदी, हमीरपुर की नदियाँ सब इसमें समा दूंगा, तुम्हारे गारोली के तलवा सभी इसमें घुसेर दिया। ये बात सत्य है। संत चाहे तो इस कमंडल में, संत ने तो अपने अंजल में समुद्र को पार कर लिया है। संत का कमंडल है, लेकिन प्रभु इस संत कमंडल का मुखारविंद बहुत छोटा है, हमारा मुखारविंद की आकृति बड़ी है। अच्छा। लेकिन हम कमंडल में जल ग्रहण नहीं कर पाते। तो एक काम करो, कोई जलाशय हो तो बता दीजिए हमें। जाओ मेरी कुटिया के पीछे जलाशय है, वहाँ से पानी पी आना, स्नान भी करते आना, क्योंकि आज तक हमने कोई गुरु नहीं बनाया। तो मैंने भी किसी को शिष्य नहीं, आप जैसे संत हमें कभी मिलेंगे नहीं गुरु। हाँ तो धर दे, हमारा कमंडल वापस ले, इसमें न जाने कितनी नदियाँ आड़ी पानी है, गारोली का तलवा है, वो कौन है मेरे पैर पकड़ती है, छोड़ पैर। क्या कहा? मगरी हूँ मैं, श्राप के बस मगरी हो गई थी, इंद्र के दरबार की अप्सरा हूँ। अरे तुम क्या कह रही हो? ये कप न हो, ये निश्चय घोरा, सत्य वचन माने हो कप मोरा, ये मुनि नहीं है, मुनि न हो ये निश्चय घोरा, मुनि नहीं ये निशाचर है, आपकी रास्ता रोकने का ठेकेदार बैठा लिया है। अरे सब बता दिया, मंगरी तो ना सुजा राण, अब मैं देखूंगा रास्ता रोकने के ठेकेदार को। अब तो ये जबरंग वाली मेरे को पकड़ा देगा। राम 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 राम